बिहार का पहला इंटरनेशनल डॉन कौन था? बिहार का पहला डॉन जिसका दो से ज्यादा देशों में खौफ था। बिहार का पहला डॉन AK-47 लेकर घूमता था। बिहार का पहला डॉन जो पुलिस के सामने अपराध करता था। देश पर राज कर रही कांग्रेस का बिहार में 80 और 90 के दशक आते आते पतन होने लगा था। कांग्रेस के पतन के साथ ही बिहार में राजनीति और अपराध ने हाथ मिला लिया। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कोसी और सीमांचल के इलाकों पर पड़ा। इन इलाकों में अपहरण, डकैती, मर्डर जैसे अपराध रोज होने लगे। राजनीति से संरक्षण प्राप्त अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम देने लगे। राजनीति में प्रभाव के कारण अपराधी को इज्जत की नजर से देखा जाने लगा। इस वजह से कोसी और सीमांचल के कुछ युवाओं ने शौकिया तौर पर अपराध की दुनिया में कदम रख दिया, तो कुछ अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए देखते ही देखते शंकर सिंह, बुटन सिंह, सूरज सिंह, बबलू सिंह, पप्पू यादव, आनंद मोहन सिंह, पप्पू देव जैसों का नाम अखबारों के पहले पन्नों में आने लगे। इन सबों में पप्पू देव ऐसा नाम था जिसका प्रभाव भारत से निकलकर नेपाल तक फैल गया। सहरसा जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है बेहरा। यहीं पर बेहद ही साधारण परिवार में डॉन पप्पू देव का जन्म हुआ। गरीब लोगों का मसीहा बनने में लगे पप्पू देव ने कब अपराध की दुनिया में कदम रख दिया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे पप्पू देव का खौफ सहरसा पूर्णिया से निकलकर कोसी और सीमांचल में सिर चढ़कर बोलने लगा। लालू यादव के उदय के साथ ही कोसी और सीमांचल में जातीय संघर्ष का दौर शुरू हो गया। जातीय संघर्ष का प्रभाव पप्पू देव पर भी पड़ा, तो उसने मुख्य बसेरा पूर्णिया जिले के सरसी इलाके को बना लिया। जातीय संघर्ष चरम पर पहुंचा तो पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव सीमांचल में रॉबिन हुड की तरह उभरने लगे, तो कोसी में आनंद मोहन। वहीं सीमांचल में सरदार के नाम से चर्चित बूटन सिंह की अगुवाई में एक नया कुनबा तैयार होने लगा। उस दौरान पप्पू देव भी बूटन सिंह के गैंग में शामिल हो गया। लड्डू सिंह, तोला सिंह, शंकर सिंह जैसे बड़े डॉन पहले से ही इस गैंग में शामिल थे। 1995 आते आते पप्पू देव सरदार बूटन सिंह का राइट हैंड बन गया। इस दौर में इलाके में कई वारदातें हुई और इसमें पप्पू देव का नाम सुर्खियों में रहा। धीरे धीरे पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह जैसे बड़े नाम के सामने पप्पू देव कोसी और सीमांचल में अलग वजूद बना चुके थे। डकैती, बैंक लूटकांड, एक बस मालिक की हत्या, गुलाब बाग के एक व्यवसायी का अपहरण, डॉक्टर भगवान यादव की हत्या और नेपाल के व्यवसायी तुलसी अग्रवाल के अपहरण ने उसे पूरे बिहार में चर्चित कर दिया। खौफ का दूसरा नाम बन चुके पप्पू देव पर बिहार पुलिस ने 50,000 का इनाम रख दिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो बॉर्डर लांग कर नेपाल में प्रभाव जमाने लगा। इसके लिए शिव प्रकाश शुक्ला जैसे बड़े डॉन से संपर्क बना लिया और नेपाल के जरिए अवैध कारोबार करने लगा। अब नेपाल पुलिस के भी पप्पू देव मोस्ट वॉन्टेड बन चुका था। बिहार पुलिस और पप्पू देव के बीच एनकाउंटर भी हुए, लेकिन डॉन पप्पू ने अपनी गैंग को 90 के दशक में भी AK-47 जैसे आधुनिक हथियार से लैस कर रखा था। इस वजह से बिहार पुलिस इस डॉन को पकड़ नहीं पा रही थी। ₹2005 में जो प्रकाश झा ने अपहरण फिल्म बनाई थी उसमें एक किरदार था तबरेज आलम। दावा किया जाता है कि तबरेज आलम का किरदार पप्पू देव से प्रभावित था। 2003 में 50 लाख से अधिक के जाली नोट के साथ नेपाल में पप्पू देव को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ बिहार के बड़े डॉन का पतन शुरू हो गया। नेपाल से फिर डॉन देव को भारत लाया गया। बिहार के कई जिलों में दर्ज मुकदमों पर कार्रवाई शुरू हुई और डॉन का ठिकाना जेल बन गया। लगभग 2 दशक तक जेल में रहने के बाद पप्पू देव को जमानत मिली, लेकिन फिर उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया।
इस बार वो जमीन कब्जा कर बेचने का काम करने लगा। पिछले साल सहरसा के सराही में डॉन पप्पू देव के गुर्गे एक जमीन पर कब्जा कर रहा था। इस बात की सूचना सदर थाना को मिली कि पप्पू देव हथियार से लैस अपने समर्थकों गुर्गों के साथ एक जमीन की घेराबंदी का प्रयास कर रहा है। मौके पर भी काफी लोग हथियार के साथ मौजूद हैं। सदर थाना ने छापेमारी की तो वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी कुछ लोग स्कॉर्पियो से भाग निकले। इसी बीच पुलिस को नई सूचना मिली कि पप्पू देव एक चीनी भट्टा के बगल में उमेश ठाकुर के मकान में सोया हुआ है। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर पप्पू देव दीवार फांद कर भागने लगा। इसी दौरान डॉन को हार्ट अटैक आ गया। पुलिस अस्पताल ले गई जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि समर्थक का दावा है कि डॉन पप्पू देव की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। इसको लेकर सहरसा में बवाल भी हुआ था, कई रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइफ, पटना।